ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 17/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 7/11/89 मधुबन। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों तरफ एक दो से ज्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। शुक्रिया बाबा, बाप दादा का दिल से शुक्रिया। तो रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबर वार बना देती है। लेकिन जो धारणा मिली है वह किसने कैसे कितनी धारणा की उस हिसाब से वह फिर नंबर वार बना देती है। बाप तो समान देते हैं, समान देखते हैं। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक द्वारा दो शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा के कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। यहाँ बाबा के इस पॉइंट को समझना है। जब हमारे एग्जाम का टाइम होता है, यदि हम पढ़ाई तब करते हैं तो हमें मेहनत भी लगती है, टेंशन भी होती है और उसमें सही रीति हम पास भी नहीं हो पाते। और यदि हम परीक्षा का हमें पता है कि हमारी 12 महीने में एक बार पढ़ाई करके हम एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो जो बच्चा पढ़ाई को
शुरू से ही थोड़ा 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 पढ़ता रहेगा तो उसे परीक्षा पास करने के लिए ज़्यादा मेहनत और उसी समय एग्ज़ाम के समय ही 1 महीने या 15 दिन में पढ़ाई शुरू करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो है एक बार सिर्फ रीड कर ले बुक उठा के, तो उससे ना मेहनत और ना ही टेंशन और ना ही अधिक कहना चाहिए मार्क्स लाने की चिंता, और आसानी से पास हो सकता है। यहाँ भी बाबा वही बता रहे हैं, फिर परवश भी होने की आवश्यकता नहीं कि टीचर हम पर मेहरबानी करे तो पढ़ाई जो हमने नहीं की है तो वो ज़्यादा मार्क्स दे, है ना। तो परवश अर्थात दूसरे के ऊपर हमारा आस रहना कि वो हमें ऐसा कुछ कर दे तो हम पास हो जाए। तो बाबा यही कहते हैं कि समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है, मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, गुस्सा नहीं रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। एक पिता अपने बच्चों को कमजोर होते देख खुश थोड़ी होगा, है ना। इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। वाह बाबा वाह। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं, सतयुग से अब तक 84 जन्मों की। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, स्व का दर्शन स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अपने आप को देख करके जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। अपने बुद्धि रूपी दर्पण में दर्पण दिया है ना चेक एंड चेंज होने के लिए, कौन सा दर्पण? बुद्धि रूपी दर्पण, जिसमें आपको किसी और को देखने दिखाने किसी को समझाने किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। उस बुद्धि रूपी दर्पण में और इस दिव्य नेत्र का हमें इस तरह से अपना स्वदर्शन चक्र घुमाना है, चेक करना है कि आप कौन सी आत्मा है, इस तरह खुद चेक करना है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है, एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं, इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सरकमस्टांस साधन समय साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है, हाथी को भी मूर्छित कर देती है। तो मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानियां हैं, निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले सदा फास्ट पुरुषार्थी बन
स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं, दूरंदेशी। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह भी तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है शरीर का, तो आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं। विदेश भी और देश भी है, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है। और यही परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यदि आप खुद को लाइट अनुभव नहीं करोगे तो उड़ोगे कैसे, स्नेह में नहीं रहोगे, उसके स्नेह को अपना स्नेह बना करके स्नेह से नहीं बांधोगे तो कैसे लाइट बनोगे। तो लाइट बंद होती है तो क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती, है ना, अंधेरा हो जाता है ना। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। मैसूर ग्रुप, मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं, संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। ईस्टर्न जोन ग्रुप, ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा का एक विशेष पुष्प दे रहे हैं, वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की आकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है, और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती हैं। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न
जून की विशेषता। वैसे भी देखो ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना, तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। बनारस ग्रुप, बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले, क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्म प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है, भक्ति के रस वालों को परमात्म प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है, तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले, तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले, इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। बंबई ग्रुप, बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नर्दे सावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर्दे सावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले, जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवास, बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले, इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवास, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं मिठाई नहीं टाइटल। कुल्लू मनाली ग्रुप, कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है और जो और कहीं नहीं लगता, तो कुल्लू और मनाली बालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है, तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है, इसलिए बाप दादा ऐसे धरने के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है, इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। मीटिंग वालों के प्रति, मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सिटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हो, जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं, उन्हों को अभी से ऐसे वाइब्रेशंस दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए
सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। मान लीजिए आपको स्पीच देना, तो स्पीच सिर्फ आपने दी और सामने वाले ने सुने, ऐसा नहीं। जो आपके महावाक्य, जो आपकी स्पीच, जो बाबा का ज्ञान आपने एक बार किसी को सुनाया, तो वह सिर्फ सुन करके उस पर थोड़ी देर के लिए सेट हो, ऐसा नहीं, सदा के लिए सेट हो जाए, ऐसे ऑब्जर्वर हो। तो थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना, प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना है। ऐसे तो नहीं है कि महारानी महाराज के पास में नौकर चाकर रहेंगे और जो उनके घर में काम करने वाले होंगे उनके घर में नहीं करते होंगे कोई काम, है ना। तो इस तरह से प्रजा की प्रजा है ना, उसको भी सेट करना है। लेकिन सुख की दुनिया तो सभी के लिए होगी, है ना, किसी एक के लिए नहीं। तो इस तरह राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासी हैं, कितने सेटिंग्स करने हैं। तो अब सेटिंग्स की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना। यह उसका स्विच है, मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है। फास्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग्स की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप, डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश भाई जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बनकर के आएगा, बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं, सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं, तो स्वीकार कीजिए। हर एक की महिमा अपनी अपनी है, एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की
विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप, तो इस रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती रहती है, चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। सभी इस तो नहाने की मदद मिलती है, इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा वरदान, अपने सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसे सत्वगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरे जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। आज का स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रकुटीय आसन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। ओम शांति।